तो गाइस क्या मुकेश अंबानी के ओटीटी बिजनेस में इंटर करते ही सारे ओटीटी प्लेयर्स जैसे हॉटस्टार, अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स जैसे प्लेयर बर्बाद होने वाले हैं? तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे अंबानी ओटीटी इंडस्ट्री को बर्बाद कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, सिर्फ 5 मिनट की वीडियो है जिसमें आपका नॉलेज यहाँ से यहाँ होने वाला है। तो मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब 2016 में जियो लॉन्च हुआ था तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हड़कंप मच गया था और सभी लोग सिर्फ जियो की तरफ ही जा रहे थे, जिसकी वजह से सारे नेटवर्क प्रोवाइडर बर्बाद हो गए थे एयरटेल के अलावा। और जहाँ 2015 में इंडिया में इतने सारे नेटवर्क प्रोवाइडर हुआ करते थे, लेकिन अभी सिर्फ ओनली 4 ही बच पाए हैं, जिनमें से ये 2 तो काफ़ी ज़्यादा लॉस में भी है। तो अभी रिसेंटली एक न्यूज़ निकल कर आया था जिसके हिसाब से अंबानी बैक्ड वॉयकॉम 18 ने 2023 के आईपीएल को फ्री में दिखाने वाले हैं, जिसके डिजिटल राइट उन्होंने पिछले साल 23,000 करोड़ में खरीदे थे। तो इनके बिजनेस स्ट्रैटेजी को समझने से पहले समझते हैं ओटीटी के मार्केट शेयर को। तो फॉर्चून इंडिया की एक रिपोर्ट के हिसाब से एमएक्स प्लेयर 34%, हॉटस्टार 26%, अमेजॉन प्राइम 11%, नेटफ्लिक्स 9% और जियो सिनेमा ओनली 2% का मार्केट शेयर रखती है इंडियन ओटीटी सेगमेंट में, जिसको इम्प्रूव करने का प्लान ये बना रहे हैं और जिसके लिए ही 2023 का आईपीएल को ये फ्री में दिखाने वाले हैं। तो एक आर्टिकल के हिसाब से 2023 का आईपीएल लगभग 550 मिलियन लोग देखने वाले हैं। तो अब सवाल आता है कि क्या जियो सिनेमा इतने सारे यूज़र को संभाल पाएगा अपने एप्लीकेशन में या फिर क्रैश कर जाएगा? तो अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अंबानी देश के इतने बड़े रिचेस्ट व्यक्ति है, क्या उनके जियो सिनेमा में क्या एरर हो सकता है? और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब वॉयकॉम 18 ने फीफा वर्ल्ड कप का स्ट्रीमिंग राइट खरीदा था इंडिया के लिए और जब वे जियो सिनेमा में फीफा वर्ल्ड कप दिखा रहे थे तो इनके एप्लीकेशन में यूज़र एक्सपीरियंस काफ़ी ख़राब रहा था, जिसकी वजह से लोगों ने इनको जमकर ट्रोल भी किया था सोशल मीडिया पर, क्योंकि स्ट्रीमिंग के टाइम इनके प्लेटफॉर्म में काफ़ी ज़्यादा लैग देखने को मिल रहा था और कई बार अनएक्सपेक्टेड एरर भी दिखा रहा था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग फ्रस्ट्रेट भी हो चुके थे इनके एप्लीकेशन से। तो इनके सामने ये मेजर चैलेंजेस आने वाले हैं कि इस बार इनके एप्लीकेशन में यूज़र एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा हो, क्योंकि आईपीएल वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में से एक है। तो अब बात करते हैं, जब अंबानी 23,000 करोड़ डिजिटल राइट्स के लिए खर्चा किए हैं तो आईपीएल को फ्री क्यों दिखाने वाले हैं? तो इसका रीज़न है इंडिया का ओटीटी मार्केट, जो कि 2027 तक लगभग $7 बिलियन से डबल यानी लगभग $14 to $15 बिलियन की इंडस्ट्री होने वाली है और जिसको कैप्चर करने के लिए जियो सिनेमा की प्रेजेंस को मार्केट में बढ़ाना ज़रूरी है। तो अब बात आती है कि जियो सिनेमा की प्रेजेंस को तो ये मार्केट में बढ़ा लेंगे, लेकिन इससे ये पैसे कैसे कमाएंगे? क्योंकि अंबानी देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक है और जब कोई बिजनेसमैन कहीं 5 लगाता है ना, तो उसे 50 कमाने के बारे में ज़रूर सोचता है। तो यहाँ मेजरली ये 2 तरीक़ों से पैसा कमाने वाले हैं। पहला, एडवर्टाइजमेंट से। तो आपको याद होगा अभी कुछ महीने पहले जब नेटफ्लिक्स को काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा था, तब वो भी एडवर्टाइजमेंट प्लान लेकर आए थे अपने प्लेटफॉर्म में। और इसके अलावा गूगल और फेसबुक जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज भी अरबों रुपए कमाती हैं सिर्फ एडवर्टाइजमेंट से। तो इनका भी प्लान है कि जियो सिनेमा में एडवर्टाइजमेंट के साथ ये फ्री आईपीएल दिखाएंगे लोगों को, जिससे कस्टमर को भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये भी पैसा कमा लेंगे। तो दूसरा इनका आता है मोबाइल रिचार्ज के जरिए। तो अब आपको लग रहा होगा कि मोबाइल रिचार्ज के जरिए ये कैसे पैसे कमाने वाले हैं? तो इन्होंने आईपीएल की क्वालिटी को बढ़ाने की बात कही है, जिसका सीधा सा मतलब है कि आपको आईपीएल देखने के लिए ज़्यादा डाटा खर्च करना पड़ेगा। तो अगर आप 360 पिक्सल क्वालिटी में आईपीएल देखेंगे तो आपको लगभग 2 GB डाटा खर्च करना होगा, वहीं अगर आप फुल HD में आईपीएल देखते हैं तो लगभग आपको 12 GB डाटा लग सकता है, और अगर 4K में देखते हैं तो लगभग 25 GB डाटा खर्च हो सकता है आपका। तो लोग इंडिया में एवरेज 1.5 से 2 GB तक का डाटा प्लान वाले रिचार्ज कराते हैं, लेकिन आईपीएल का क्रेज इतना ज़्यादा है ना इंडिया में कि कई लोग तो अपने काम को छोड़कर भी आईपीएल देखते रहते हैं और कई लोग अपने ऑफिस से भी छुट्टी ले लेते हैं सिर्फ और सिर्फ आईपीएल देखने के लिए। तो आईपीएल के क्रेज के चलते जो लोग 1.5 से 2 GB वाला डाटा प्लान का रिचार्ज कराते थे, वो अब इससे ज़्यादा का डाटा प्लान वाला रिचार्ज कराएंगे, जिसे अल्टीमेटली जियो को ही फायदा होने वाला है। अभी जियो के पास लगभग 500 मिलियन प्लस का यूज़र बेस है और इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम नेटवर्क है, और अगर उनका ये प्लान सक्सेसफुल हो जाता है तो जियो को इंडिया का नंबर 1 टेलीकॉम नेटवर्क बनने से कोई नहीं रोक सकता। और इसके अलावा प्लस ये OTT मार्केट में भी अपनी अच्छी खासी पकड़ बना चुके होंगे। तो हमने अभी तक सुना था कि एक तीर से 2 निशाने लगाए जाते हैं, लेकिन अंबानी तो यहाँ एक तीर से 3 निशाने लगाने की फिराक में है। जियो सिनेमा से OTT सेगमेंट कैप्चर करेंगे, एडवर्टाइज से पैसे कमाएंगे और मोबाइल रिचार्ज के जरिए पैसे भी कमाएंगे और प्लस यूज़र बेस भी बढ़ाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दो, यहाँ ऐसी ही बिजनेस केस स्टडी रिलेटेड कंटेंट मिलता है।